हे गाइज वेलकम टू स्पार्टन सब्स। आई होप गाइस अच्छे होंगे। सर आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग ये वीडियो में फ्यूचर में जो कंटेंट आने वाला है BGMI के अंदर पबजी मोबाइल के अंदर उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि अभी पता है रिसेंटली जो नया कॉन्सेप्ट वाला रॉयल पास आया वो मंथली बेसिस वाला रॉयल पास है और ये मंथली बेसिस वाला रॉयल पास होने के कारण बहुत चीज़ें बेनिफिट है पबजी मोबाइल एंड नॉर्मल यूजर को, तो उसके बारे में आज हम लोग ये वीडियो में बात करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले आज के ये वीडियो हम लोग बात करने वाले जो अपकमिंग कुछ अपडेट है उसका फीचर्स के बारे में तो ज़्यादा नहीं बात करेंगे क्योंकि वो जब आएगा तो अलग से हम लोग देख ही लेंगे। बट हम लोग को पता है कि ये कुछ टाइम में ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है उसके बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा नेक्स्ट जो हम लोग का अपडेट आने वाला है वो सितंबर में आने वाला है और वो दो महीना चलेगा, मतलब सितंबर अक्टूबर आपको दोनों टाइम ये वाला अपडेट मतलब पबजी मोबाइल या BGMI 1.6 का अपडेट देखने को मिलेगा और जिसमें आपको C1, S2, M3 एंड M4 देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो सितंबर महीना का जो रॉयल पास होगा उसका थीम मुझे नहीं पता, वो BGMI वाला एंड पबजी मोबाइल को ही पता है। बट आपको पता है अक्टूबर में हम लोग का हैलोवीन आता है, राइट? तो अक्टूबर में जब हैलोवीन आपको देखने को मिलेगा, अब देखो बेनिफिट ये होता है कि मंथली वाला रॉयल पास में ये होगा कि सितंबर वाला जो रॉयल पास जैसे खत्म होगा तो वो एक थीम कंटेन करेगा। जब हम लोग का अक्टूबर वाला M4 जब आएगा उसमें हैलोवीन थीम से मिलता जुलता आपको रॉयल पास देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो सबसे बेनिफिशियल बात ये है कि रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा, अगर मैं आपको अचीवमेंट में लेके जाऊँ और इधर आप देखोगे तो मैक्सिमम आप ध्यान दोगे हैलोवीन से मिलता जुलता जो अचीवमेंट था उसको हटा दिया गया है। जैसे कि आप देख पाए जितना भी अचीवमेंट आपको दिख रहा है वो मेरा कंप्लीट है, इसलिए दिख रहा है। जो जो बंदे कंप्लीट नहीं था उसका हट गया होगा क्योंकि जैसे कि आप देख पा रहे इविल सर्वाइवल 1 जो कि एक्सक्लूसिव अचीवमेंट था और इसको हटा दिया गया। जो जो बंदे कंप्लीट किए उन लोगों का प्रोफाइल में दिख रहा होगा, जो जो बंदे कंप्लीट नहीं किए उन लोगों का हट गया होगा अभी तक। सेकेंड तो आप देख पा रहे पेशेंस 0 ये वाला भी अचीवमेंट जॉम्बी मोड से रिलेटेड था और उसका थर्ड जो अचीवमेंट आप देख पा रहे हो स्टेप 2 फार। ठीक है, और उसका जो फोर्थ जो अचीवमेंट आप देख पा रहे राइट इट आउट 4। तो ये चारों और मे भी एक दो अचीवमेंट अगर था तो मैं उसको मिस कर दिया तो वो हट गया होगा। तो ये जितना भी हेलोइन से मिलता जुलता या जॉम्बी मोड से मिलता जुलता जो अचीवमेंट था उसको कम्प्लीटली एक्सक्लूसिव बना के हटा दिया गया। इसका मतलब ये है कि अक्टूबर मंथ में या बोल सकते हैं BGMI या पबजी 1.6 में आपको बहुत सारा अचीवमेंट वापस से देखने को मिल जाएगा। ये एक अच्छा बात है क्योंकि पुराना अचीवमेंट सब हट गया तो भाई डेफिनेटली अगर जॉम्बी मोड्स आने वाला है तो उससे मिलता जुलता आपको अचीवमेंट भी देखने को मिलेगा और उसी से मिलता जुलता M4 भी देखने को मिलेगा। अब देखो मैं बताया कि मंथली रॉयल पास का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि देखो अलग अलग थीम में वो लोग रॉयल पास को बना सकते, अगर कोई कोलैबोरेशन आता तो उससे रिलेटेड भी एक बोल सकते हैं रॉयल पास बना सकते हैं। और सबसे बेनिफिशियल और भी हो जाता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा लोग इसको अभी अफोर्ड कर पा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू 600 UC वाला। ठीक है, तो इसी चलते आप बोल सकते हैं मंथली रॉयल पास से बहुत हद तक BGMI एंड पबजी मोबाइल दोनों को हेल्पफुल किया है। इवन मैं अगर सच बताऊँ तो नॉर्मल यूजर को भी बहुत हेल्पफुल हुआ कि ज़्यादातर लोग अभी नया नया रॉयल पास परचेस कर पा रहे हैं। अब देखो बात ऐसे है ना कि वीकेंडी 2.0 बहुत दिन से पेंडिंग है, लोगों के दिमाग में आया था कि 1.5 में आपको वीकेंडी देखने को मिलेगा बट 1.5 में जैसे वीकेंडी नहीं आया था मुझे उसी टाइम समझ में आ चुका था वीकेंडी 2.0 1.6 वर्जन में आपको मे बी कम देखने का चांसेस मिलेगा क्योंकि उसका जस्ट बाद जो 1.7 का लास्ट अपडेट आएगा 2021 का वो एक विंटर अपडेट होने वाला है और ऑब्वियसली वीकेंडी एक विंटर मैप है तो उससे बेटर टाइम हो ही नहीं सकता वीकेंडी 2.0 को लॉन्च करने के लिए। तो इसलिए आप मान के चलो कि 1.6 का अपडेट होगा वो हैलोवीन या जॉम्बी मोड से रिलेटेड ही आपको बहुत सारा मोड्स देखने को मिलेगा गेम के अंदर, उससे रिलेटेड अचीवमेंट होगा वही थीम से मिलता जुलता आपको रॉयल पास दिखाई देगा M4 का। उसके बाद वीकेंडी जो आने वाला नवंबर का आखिर में या बोल सकते दिसंबर के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा और जो M6 होगा वो आपका विंटर थीम का रॉयल पास होगा मतलब व्हाइट कलर का रॉयल पास। ठीक, देखो अभी जितना भी चीज़ मैं बताइए अभी तक हम लोग देखे नहीं, हम लोग एक एजम्पशन लगा रहे कि हाँ ऐसे ही हो सकता है क्योंकि इसी सीक्वेंस में वो लोग मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, बट अभी जो मैं आपको चीज़ें दिखाने वाला वो 100% कन्फर्म हो चुका है क्योंकि वो लीक होकर आ चुका है और वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। थैंक्स टू लकी मैन जिन्होंने ये कंप्लीट लिंक्स मुझे प्रोवाइड किया है, उनका चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इधर आप नोटिस करना कि अभी 2-3 मैं जॉम्बी दिखाऊंगा, ये जो जॉम्बी आप देख पा रहे हो या मॉन्स्टर जो भी बोल सकते हो ये आपको मिलता जुलता तो लग रहा है पुराना वाला जॉम्बी मोड से बट नया लुक के साथ आ रहा है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बोला था ये जो जॉम्बीज मोड आएगा ये रिलेट करेगा न्यू अचीवमेंट को और इधर आप देख पा रहे हो दो तीन न्यू टाइप का आपको जॉम्बी दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन में जो कि आपको 1.6 का अपडेट में देखने को मिलेगा सेकेंड हाफ में मतलब अक्टूबर का मंथ में आपको जॉम्बी मोड देखने का पूरा पूरी चांसेस है। इधर आप देख पा थोड़ा नया किस्म का आपको जॉम्बी दिखाई दे रहा है बट थोड़ा बहुत मिलता है जो पुराना वाला जॉम्बी मोड था। ठीक है,
तो अभी के लिए इतना ही फिलहाल के लिए लीक है, और भी जैसे जैसे लीक्स हम लोग को मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊंगा। बहुत ही जल्दी हम लोग और भी लीक्स के साथ आ जाएंगे जैसे जैसे हम लोग का वर्जन सामने आते रहेगा, और डेफिनेटली हम लोग को बहुत अच्छा अच्छा चीज़ देखने को मिलेगा। और अभी बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट बचा हुआ, ईयर के एंड में बहुत सारा चीज़ आता है, डेफिनेटली उसके लिए पबजी वाले एंड BGMI दोनों बहुत ज़्यादा ही प्रिपेयर होंगे। तो चलो इतना रखते हैं वीडियो को, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।